करते थे, उनमें से ये भी एक था। 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसको भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तेलंगाना के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे खाद पर हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। तेलंगाना में पानी से जुड़े लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के 5 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। धान किसानों को लागत का 1.5 गुना पैसा भी दिया है। इस बार भी धान की एमएसपी में 80 रुपये की वृद्धि कर उसे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। हैदराबाद में यातायात और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है। इस हाईटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार 350 किलोमीटर परिधि की रीजनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। 2014 में तेलंगाना राज्य में लगभग 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, आज 5000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। शहर ही नहीं, गांवों को भी नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 2700 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत लगभग 2500 किलोमीटर की नई सड़कों के लिए भी 1700 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार रेलवे में भी बीते 8 वर्षों में तेलंगाना के लिए 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन तेलंगाना में बिछाई जा चुकी है। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा 5F की बात की है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये बात मैं कह रहा हूं,